नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ से ऐसा लग रहा है कि आप लोग बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि भाई कट ऑफ का चक्कर छोड़ो, वरना बहुत पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि आपके सामने फिर से दो तीन ऐसी वैकेंसीज लगी हैं जहाँ पे अगर आप अपना समय का सदुपयोग करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। ये बात अलग है कि आपका सिलेक्शन कांस्टेबल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों ही पहलू हैं, और सच्चाई से कोई भी दूर नहीं जा सकता, कोई भी भाग नहीं सकता, जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपना समय जाया करेंगे तो वो छात्र जो हमारे कंपटीशन में है, जो गला काट प्रतियोगिता हमें कंपटीशन दे रहे हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे और हम यहाँ पे हंसी मजाक करते रह जाएंगे। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के बारे में। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे लगातार कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो लिटरली मैं कमेंट पढ़ते पढ़ते खुद हंसने लगता हूँ, तो मेरे अगल बगल वाले बोलते क्यों हंस रहे हो। मैं बोलता हूँ ये यूपीपी वाले बच्चे, इनके कमेंट देखो, आपको खुद हंसी आ जाएगी। मैं एक लाइव सेशन भी लेके आऊंगा आप सबके कमेंट के, और फिर इससे निष्कर्ष निकालता हूँ कि यार आप लोग को इतनी इतनी अकल आती कहाँ से, इतनी बुद्धि आती, इतनी उठपटांग कमेंट करते कहाँ से हो इतने चटपटे से। और अगर इतनी बुद्धि सही तरीके से पढ़ाई में लगा दो तो यकीनन आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हम लोग आज बात करेंगे, दो वैकेंसीज आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से ही आ रही है। जैसे कि योगी जी ने घोषणा किया था कि 40,000 फिर से कांस्टेबल की वैकेंसी लगभग आ रही है, क्योंकि उन्होंने दो तीन बार यही शब्द बोला, 60,244 के बाद से अब हम 40,000 से 45,000 फिर से, जैसे इनकी ज्वाइनिंग होगी, नियुक्ति आदेश बटेगा, हम नई भर्ती ले आएंगे। तो वो वैकेंसी तो आपकी मार्च अप्रैल में आएगी, आप बोल सकते हो अप्रैल मई में आएगी, वो भी 2025 में। एक उससे पहले वैकेंसी आ रही है, और वो वैकेंसी आपकी कौन सी है? यूपीएसआई की, लगभग 5,000 पदों पे। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो सीरियसली, देखिए हंसी मजाक जीवन का पार्ट है, वो चलता रहता है, लेकिन आप में से कितने ऐसे छात्र हैं जो इस बात को सीरियस हैं कि हाँ भाई यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, हम कांस्टेबल हो भी जाएंगे तो भी यूपीएसआई की तो तैयारी करेंगे। आप बताइए, जीवन भर हमें कांस्टेबल बन के रहना है या दरोगा बन जाएंगे तो ज्यादा बेटर है? नो डाउट हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम प्रमोशन लें, हम ज्यादा बेहतर पोस्ट पे जाएं, और हमारे पास समय है जब सीधी भर्ती है। हम वही चीज पढ़ के आए हैं, लगभग वही मैथ पढ़ के आए हैं, वही रीजनिंग पढ़ के आए हैं, लगभग वही हिंदी पढ़ के आ रहे हैं, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने में अगर हम दरोगा, अगर हमें दो सितारा मिल सकता है, डबल स्टार कहला सकते हैं, हमारी पावर बढ़ सकती है, तो हम क्यों नहीं? तो तैयार है ना आप मेरे साथ? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम लोग समझेंगे कि 5,000 जो पूरे पद आ रहे हैं, इनका नोटिफिकेशन कब आ रहा है। तो इसका नोटिफिकेशन हालांकि ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी आपके सामने आ सकता है, इस बात को हम समझेंगे। साथ में इसकी योग्यता के बारे में, फॉर्म डेट के बारे में, उम्र में छूट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया, और इस बार क्या बदलाव हो रहे हैं, सारी चीजें हम लोग यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। अब ये तो, ये मैं जो आपके सामने यहां पे दिखा रहा हूं, ये पुरानी भर्ती थी, उस समय 9,027 आपके क्या थे, 9,027 पद आए थे, और 484 आपके प्लाटून कमांडर पीएससी, ये 2021 में वैकेंसी थी। इतनी वैकेंसी तो देखने को नहीं मिलेगी, ये बात की गारंटी है, लेकिन इसके आधी वैकेंसी से ज्यादा देखने को मिल रही है, लगभग 5,000, हो सकता है 5,000 से ज्यादा भी पद आ जाएं। तो ये वैकेंसी अब कितने होंगे, ये तीन श्रेणियों में आते हैं, आप इस पर मत जाइए कितनी वैकेंसी, आप ये देखिए तीन श्रेणियों में आते हैं। पहला श्रेणी होता है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का, दूसरा होता है प्लाटून कमांडर पीएससी का, और जो तीसरा होता है वो होता है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का। ये तीन होते हैं, यही तीन मिला के दोबारा से वैकेंसी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या आपकी एज क्राइटेरिया है, है ना, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, इसमें यह हॉरिजेंटल वाले भी, इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की 20% सीट रिजर्व रहती है उत्तर प्रदेश पुलिस के मैक्सिमम वैकेंसीज में। तो अब आते हैं हम लोग शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं। सबसे पहले कौन बच्चा इसके लिए फॉर्म भर सकता है? तो हर वो छात्र जो क्या है, हर वो छात्र जो ग्रेजुएट है, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास बीए है, आपके पास बीएससी है, आपके पास बीकॉम है, बीटेक है, कोई भी ऐसी डिग्री जो 3 साल या 4 साल, जिसे हम लोग ग्रेजुएशन की डिग्री बोलते हैं, अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। हालांकि इसमें जो जो तीसरा वाला पार्ट था, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाला, उसमें आपका जो स्नातक होना चाहिए विज्ञान से होना जरूरी है, लेकिन बाकी जो दो कैटेगरी है उसमें सबसे सभी लोग भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपकी कौर खा वाले में ही आती है, कौन से, उप निरीक्षक वाले में और प्लाटून कमांडर वाले में, पीएससी वाले में। अब आते हैं हम लोग की, अब तो आइए, आगे हो गई शैक्षिक योग्यता, आयु क्या होनी चाहिए। तो वैसे अगर हम पिछले वैकेंसी की बात करें तो इन्होंने क्या बोला था,
पिछली वैकेंसी में इन्होंने 1/7/2021 किया था, और अगर अभी की बात करेंगे तो ये 21 साल से 28 साल किए थे। अब ये डेट क्या हो जाएगी, 1/1 ये डेट आपकी क्या हो जाएगी, 1/1/2025 मानी जाएगी, जो ज्यादा उम्मीद है 1/1/2025 मानी जाएगी। और यहां पे उम्र 21 साल से लेके यहां पे कितने तक लेंगे, 31 साल तक लेंगे, क्योंकि इस बार 3 साल का क्या मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है ड्यू टू कोविड रीजन। तो ये बात समझिएगा कि इस बार यूपीएसआई में थोड़ी सी भीड़ ज्यादा बढ़ेगी, प्रदगम है, भीड़ ज्यादा है, तो आपको उसके लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे पहले से, अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि भाई आपका एक फेज था, पेपर हो गया, देखिए दो तरीके हैं, आपने पेपर दे के आए कांस्टेबल का, जाहिर सी बात है आपकी स्कोर अगर 220-225 के बीच में बन रहे होंगे तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए निश्चित मानेगा। अगर आप 185-190 जैसे मैंने कल एक कट ऑफ बताया, उसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बहुत कम है, ये कम नहीं है बेटा, ये अभी जो आपका स्कोर आ रहा है ना, ये रनिंग के कट ऑफ को मैं बताया हूं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आप सभी का नंबर लगभग बराबर जाएगा और सब 205-210 पे पहुंचोगे, तो जो आपकी रनिंग वाली कट ऑफ लगेगी वो 205-210 ही लगेगी, लेकिन जो उस समय जिसका 205-210 आ रहा होगा उसका वास्तविक समय आज के समय पे रॉ मार्क्स के आधार पे 190-192-185-187 ही आ रहा होगा। ये बात आप लोग देखिएगा, ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा आसानी आसान में नहीं बोला हूं, लो नहीं बोला हूं, लगभग 205-210 ही जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद, बात समझ में आ रही। तो अभी अब लेकिन हर 185-190-195 वाले बच्चे का फाइनल हो जाए गारंटी नहीं है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो बढ़ के आएगी, क्योंकि बच्चा रनिंग करेगा, दौड़ेगा, और जो ऊपर वाले रैंकर हैं फिर वहां से केवल 60,000 बच्चों को लेना है, तो वहां पे नीचे वाले बच्चे बहुत अलग होंगे, और ये प्रैक्टिकल सच्चाई भी सच्चाई से भागना नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरीके, भाई हमारा भाग्य अच्छा हुआ तो हम यहां पे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, हमारा भाग्य अच्छा हुआ हम रनिंग में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर किस्मत साथ नहीं दी तब, हमारे स्कोर कम रहे तब के केस में आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो काम आपको 6 महीने बाद स्टार्ट करना है, 4 महीने बाद करना है, और फिर समय का अभाव रहेगा, वो काम आज से आप क्यों ना कर दो। तो मैं दोनों ही बताऊंगा कि एक तो आपको जो बच्चे जो लो स्कोरर है, अगर आप कांस्टेबल का देख रहे हो तो फिर से 40,000 वैकेंसी 45,000 कम नहीं होती है, और पिछली बार भी यही हुआ था, कट ऑफ कम जाती है दूसरी वाली वैकेंसी का और कम कट ऑफ जाएगी, ठीक है, ये बात समझिएगा। तो आपको फिर से कांस्टेबल के भी तैयारी में लग जाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपका सिलेक्शन हो तो भी ना हो तो भी, एक सबसे बड़ी आपके सामने क्या है, दरोगा भर्ती, इसके लिए लगना चाहिए। तो इसमें पूछता क्या है, इसमें आपका 4 पार्ट पूछता है, देखो भाई मैं बोल रहा हूं, आप मानसिक अभिरुचि हो गया, खूब पढ़े नहीं पूछा गया, लेकिन इसमें हो सकता है पूछा जाए, बुद्धिलब्धि परीक्षा हो गया, आईक्यू हो गया, रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, मैथ्स में संख्यात्मक और मानसिक योग्यता हो गया, इस बार मैथ्स में भी जब कांस्टेबल में 25-25 नंबर पूछे हैं तो हो सकता है एसआई में और ज्यादा पूछा जाए, तो हमें मैथ्स भी अच्छे से पढ़ना, और मैथ्स बढ़िया लेवल का पूछा है तो बढ़िया लेवल का पढ़ना है, हमें इंस्टॉलमेंट वगैरह सब कुछ पढ़ना है, बात समझ में आ रही है। ऐसे हमें मूल विधि, अब सबसे ज्यादा बच्चा परेशान होता है मूल विधि के लिए, क्योंकि इसमें क्या है, नया पार्ट है। अब मैं आपको एक बहुत सही बात बताऊं, सही शायद आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे असहमत भी हों और बहुत सारे सहमत भी होंगे, अगर आप देखोगे इस समय किसी भी संस्थान के पास जाओगे तो उसमें क्लास किसकी चल रही है, मूल विधि की, जानते हैं क्यों, क्योंकि ये संस्थान को पता है कि बच्चा बाकी पे ध्यान नहीं देगा, मूल विधि पे ध्यान देगा, मूल विधि क्लास लगा दो तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा, बच्चे को हम अपने पास कर लेंगे, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आपके लिए जरूरी क्या है, उन्हें इससे मतलब है कि कौन सा सब्जेक्ट लगाने से, किस टीचर का चेहरा दिखाने से हमारे पास यूपीएसआई वाले बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास भीड़ बढ़ जाएगी, फिर हम खूब दाम लगा के बेचेंगे, कोर्स अपना ये चल रहा है। और हो सकता है आप लोग असहमत हो मेरी बात से, लेकिन अगर लॉजिकली सोचोगे तो यही हो रहा है, और यही हाल हुआ था किसका, मानसिक अभिरुचि के साथ, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, पूछा गया नहीं पूछा गया। मैं वही कह रहा हूं कि आप एक पार्ट पे डिपेंडेंट मत रहो, आपके लिए हिंदी भी है, आपके लिए संविधान भी है, सामान्य ज्ञान भी है, मूल विधि भी है, मानसिक अभिरुचि भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, परसेप्शन टेस्ट भी है, सब कुछ है आपके लिए, तो आपको सब एक केवल सब्जेक्ट आपका सिलेक्शन नहीं करवाएगा, आपका सारा का सारा सब्जेक्ट सिलेक्शन करवाएगा, बात समझ में आ रही है। तो आप में से हो सकता है बहुत लोग असहमत हो मेरी बात से, लेकिन सहमत हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि आप अपनी पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी साथ में स्टार्ट करो। हां यह बात अलग है कि मूल विधि एक एक्स्ट्रा पार्ट है, लगता है कि मैं पढ़ लेना चाहिए तो उसके लिए परेशान क्यों हो रहे भाई, अगर आपको पढ़ना ही है तो हम लोग आपको पढ़ाएंगे, टीम परीक्षा प्लस आपको अच्छे से कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल एक पे ही एक को शुरुआत कर दे, धीरे धीरे बच्चे आएंगे फिर हम कोर्स लॉन्च करेंगे,
उसमें हम लोग कभी बिलीव नहीं करते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके चार पार्ट होते हैं, आपके 100 अंक होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, नंबरिंग यहां पे नहीं दिया है, लेकिन हर सब्जेक्ट से लगभग 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है चार पार्ट से। इसमें टोटल 160 क्वेश्चन होते हैं और 2.5 नंबर का क्या होता है पेपर होता है, तो ये टोटल आपका क्या होता है 400 नंबर का पेपर होता है। इसमें 2.5 का गुणा करेंगे एक क्वेश्चन का, तो आपका 100 अंक हो जाएगा। तो ये आपका परीक्षा पैटर्न होता है। साथ में अगर बात किया जाए इसमें, तो इसमें आपको सेक्शन वाइज हर सेक्शन में 35% प्रत्येक विषय में लाना आवश्यक है और 50% कुल लाना आवश्यक है। तो इस कारण से बच्चा बहुत ज्यादा फेल होता है, लेकिन फिर भी पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई गई थी। पिछली बार कट ऑफ हाई जाने के कारण बहुत सारे थे, जिसको मैं स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता हूं, है ना, धांधली वगैरह आप लोग जानते ही हो। लेकिन इस बार जैसे बोलते हैं योगी जी कि नहीं, इस बार बहुत सुचितापूर्वक प्रश्न पत्र करवाए जा रहे हैं, पेपर करवाए जा रहे हैं, तो इस बार धांधली नहीं हो रही, तो हो सकता है कट ऑफ उससे कुछ कम लगे। लेकिन हमने मान के चलना है कि कट ऑफ, तो जो फाइनल कट ऑफ होती है वो हाई जाती है और उसी को टारगेट करके हमें अपनी तैयारी करना है। रही बात आपकी फिजिकल के लिए, तो भाई कौन तैयारी करेंगे, सबसे पहले आप अपना शारीरिक जो मानक है वो देख लो। उसमें आपका जो हाइट होना चाहिए, ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए, और जो अनुसूचित जनजाति हैं केवल जो एसटी हैं उनके लिए केवल 160 सेंटीमीटर है। बाकी सीना केवल पुरुषों के लिए होता है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 84 फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। और जो जनजातियां हैं कैटेगरी हैं एसटी कैटेगरी के, वो बच्चे क्या होते हैं 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 5 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाना चाहिए, महिलाओं के लिए सीना का कोई प्रावधान नहीं है। महिलाओं के लिए ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर एसटी से हैं महिलाएं तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनका चेस्ट की जगह पे क्या होता है, इनका वेट होता है, और कोई भी महिला न्यूनतम 40 किलोग्राम की होनी चाहिए। उसके बाद आपकी रनिंग होती है, जो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की होती है 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर होती है 16 मिनट में। तो ये आपकी रनिंग है, ये सब बाद की बात है। अगर आपका ये आपका अगर जो शारीरिक मानक है इसमें आ रहे हैं, तो आप लोग फिर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाइट फिर से 2-3 महीने में बढ़ जाए तो ये कोई बड़ी ये नहीं हो सकता है। हाइट लगभग आपकी सेम रहेगी, जितनी बढ़नी थी उतनी बढ़ गई। तो अगर आपके यहाँ पे शारीरिक मानक परीक्षण में अगर आप समझ रहे हैं कि अगर आप इसके अंदर आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी स्टार्ट करने के लिए क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सब कुछ सिलेबस आपके सामने, सिलेबस आपका देखा हुआ है, जो मूल विधि के लिए आप लोग परेशान हो, सब कुछ बहुत सिंपल से टॉपिक होते हैं। ये आपको हार्डली 4-5 क्लास में कवर हो जाएगा, बट फिर भी मैं रमन सर से आपके लिए स्पेशली लगवा दूंगा कि नहीं भाई, अगर आपको मूल विधि ही चाहिए तो लो पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको करवा देंगे। बट मेरा आपको सजेशन है कि आप पूरा का पूरा सही तरीके से सारे पार्ट लेके चलो। जो कांस्टेबल में अभी आप लोग है ना बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो वही वाला हाल ना हो, आप लोग थोड़े से समझदार हो मुझे पता है, और इस समझदारी को बेस बनाते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ। कहाँ से करना है टीम परीक्षा प्लस, इसके लिए बहुत बेहतरीन, जो बच्चे पेड कोर्स पे बिलीव करते हैं वो पेड कोर्स बहुत कम प्राइस पे 499 रुपए में लॉन्च कर दिया गया। इसमें फिर से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे आ गया नया कोर्स लाके, तो भाई नया कोर्स तो आएगा ही, उसमें सिंपल सी बात है, हमारे पास अगर यूपीएसआई की परीक्षा आएगी यूपीएसआई का कोर्स आएगा, कांस्टेबल की आएगी कांस्टेबल का आएगा। हमारा काम ही आपकी तैयारी कराना, हमारा काम ही है कोर्स निकालना, तो हम कहां चले जाएंगे, आप समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं परीक्षा प्लस कुछ नहीं करती है, तो आपके लिए शायद बच्चों को पता होगा कि पूरी कांस्टेबल परीक्षा हम लोगों ने पूरी निःशुल्क करवाई, इससे पहले यूपीएसआई के निःशुल्क करवाए थे। यूपीएसआई एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर में नंबर एक ब्रांड है, परीक्षा प्लस आप सभी को पता भी होना चाहिए, सबसे बेहतरीन तैयारी कराती है, तो इस कैटेगरी के लिए सबसे नंबर एक टीम जानी जाती है। जो बच्चे जुड़े उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जो बच्चे नहीं जुड़े शायद धीरे धीरे पता हो जाएगा, यह बात समझिएगा। और फिर से मैं जो बच्चे हैं जो कांस्टेबल वाले बच्चे उनके लिए मैं कोई भी कोर्स नहीं ला रहा हूं, इसलिए मैं पूरा निःशुल्क कर रहा हूं। फिर से जो बच्चे अभी कांस्टेबल की तैयारी दोबारा से करना चाहते हैं, जिनके स्कोर कम है, उन्हें कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैं यह भी प्रॉमिस करता हूं, ये आपका जो एग्जाम हुआ था उसी का पूरा कोर्स आपके लिए फ्री लॉन्च कर दिया हूं। आप कहां पे जाएंगे, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाएंगे, फ्री कोर्स सेक्शन में जाएंगे, आपको सबसे ऊपर इंकलाब बैच दिखेगा, ये एग्जाम वाला पूरा फ्री है। और इसमें यह भी आपसे वादा कर रहा हूं कि जो स्पेशल टॉपिक हुई थी उसको लाइव क्लास में खुद लूंगा, मैं खुद आपको यह करवाऊंगा, वो भी फ्री करवाऊंगा जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आ जाती। रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई दरोगा बैच 499 में आ गया है,
और आप लोग इसे परीक्षा प्लस ऐप से परचेज कर सकते हो, जिसमें सारी की सारी लाइव क्लास, ये आपकी बेहतरीन टीम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है, साथ में इसमें सारी लाइव क्लासेस हैं, इसमें स्टडी मटेरियल है, इसमें टॉपिक टेस्ट है और आपके एग्जाम के डेट तक वैलिडिटी है, सब कुछ, मतलब ए टू जेड जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इस तरह का बैच में दिया जा रहा है। तो ये बैच आपका लाइव है, इसमें हम सारी क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे परीक्षा प्लस ऐप से, इसे आप परचेज कर सकते हो। मैं फिर से बोलूंगा कि अब थोड़ा सा उस माहौल से बाहर निकलो और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दो, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दो और समय बर्बाद मत करो। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप हंसी मजाक में मस्ती में अपना समय बर्बाद कर दीजिए इधर उधर में कि चलो पेपर हो गया अब क्या करना है, और जब पेपर आए, जब फिर से नोटिफिकेशन आए, तब हाय तौबा करो और आपसे आगे लाखों बच्चे निकल जाए क्योंकि उन्होंने तैयारी स्टार्ट कर दी, जिनको तैयारी स्टार्ट करनी थी कर दिए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं, आप अगर उन्हें देखोगे तो यकीनन तैयारी हो रही है और वो अपना लग गए, और यही समझदार बच्चा होता है। बाकी जो मूर्खानंद होते हैं वो तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, और मूर्खानंदों की कोई भी कमी नहीं है, वो अनंत काल तक बनी रहेगी और उनका कभी सिलेक्शन होता भी नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको वो 1% जो सिलेक्शन लेते हैं उसमें आना है, समझदारी में आना है, या फिर आपको मूर्खानंद में अपना ठप्पा लगवाना है, अपना नाम लगवाना है, आपको खुद डिसाइड करना है। बाकी सारी तैयारी हम लोग परीक्षा प्लस ऐप पर बहुत बेहतरीन तरीके से, परीक्षा प्लस यूट्यूब इसी चैनल पर हम लोग मूलवेदी की कुछ क्लासेस MCQ लेके आएंगे जो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, और साथ में अन्य भी, केवल मूलवेदी नहीं, हम सारी क्लासेस धीरे धीरे लेके आएंगे और आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, जो MCQ और प्रीवियस ईयर हमारे प्रैक्टिस और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।